हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करता क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to obtain magnified images of tiny objects। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर आपने उनकी मैग्निफाइड इमेजेस लेनी है तो आप यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं दो कन्वर्जिंग लेंस, मींस दो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले रे डायग्राम जब भी आपने बनाना है, सबसे पहले एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, और एक आपको दो लेंसेज बनाने हैं। पहला लेंस बनाएंगे हम स्टूडेंट्स कम फोकल लेंथ का, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस को देखते हैं कि ये कैसा कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं C1। हर एक लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है C1। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसको हम नाम देते रहते हैं F0, और इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड भी होगा, क्योंकि स्टूडेंट लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। तो हर एक लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो स्टूडेंट, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से थोड़ा सा इधर प्लेस कर देते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया स्टूडेंट्स AB। तो स्टूडेंट्स, पहली रे आएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। तो जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस आप अच्छे से जानते होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन होती है जो दोनों फोकस को ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन करती है और लेंस के दोनों तरफ एक्सटेंड की जाती है। तो स्टूडेंट, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास होती है स्टूडेंट? फोकस में से पास होती है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैंने रिफ्रैक्शन कहां से किया, यही बेसिक गलतियां करते हो आप लोग। जब हम लोग एग्जाम शीट चेक करते हैं तो आप यही बेसिक गलतियां करके आते हो एग्जाम्स में। आपने रिफ्रैक्शन इस लाइन से करनी है, ना आपने यहां से करनी है, ना आपने यहां से करनी है, इस लाइन से आपने रे को रिफ्रैक्ट कर देना है, रे की बेंडिंग कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, ये फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हम C1 से लेके आएंगे। जो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास होती है वो स्टूडेंट्स सीधी निकल जाती है, थोड़ा हम F0 को छोटा लिख देते हैं, ये हमारा पाथ ऑफ रे के बीच में आ रहा है, इसको हम C1 में से पास करवाया सेकेंड रे ऑफ लाइट को, तो ये अनडेविएटेड निकल जाती है, क्योंकि लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो सीधी निकल जाती है बिना डेविएट हुए। तो स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी इमेज, इस इमेज को हमने नाम दे दिया A-B-। ये इमेज किसने बनाई है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। किस ऑब्जेक्ट की बनाई है? AB की बनाई है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा A-B-। अब इसके आगे आपको एक और लेंस ड्रॉ करना है, जो कि इस इमेज से A-B-से थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से भी बड़ा होना चाहिए। तो बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है आपने स्टूडेंट्स, जितना आपने डिस्टेंस ये रखना है उतना ही डिस्टेंस आपने ये रखना है, सिमेट्री बनाकर रखनी है, छोटा बड़ा नहीं करना आपने उसको। आपको प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊपर लेंगे, जितने सेंटीमीटर, उतना ही ऊपर नीचे ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन। तो आप क्या करेंगे फिर, इसको इस एंड को इस एंड से ज्वाइन कर देंगे और इस एंड को इस एंड से ज्वाइन कर देंगे। अब ये है हमारा आईपीस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो ये हमारा आईपीस है। अब हम क्या करेंगे, एक ये जो इमेज बनाई है A-B-, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मींस अब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? A-B- होगा। तो हम A- से एक पैरेलल रे लेके आते हैं। जो रे पैरेलल आती है स्टूडेंट्स, वो कहां से पास करती है? वो पास करती है प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल फोकस हम इसका यहां ले लेते हैं आईपीस का FE, और इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स C2। अभी हम इसको स्टूडेंट रिफ्रैक्ट नहीं कर रहे, अभी इसको हम इसको फोकस में से पास करवाएंगे। अभी देखते हैं स्टूडेंट, पहले हम ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऑफ लाइट को हम पहले ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा देते हैं सेकंड रे ऑफ लाइट, जो कि बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इसको पीछे मिला देते हैं स्टूडेंट्स, हम
पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं क्योंकि इमेज जो बनेगी इसकी वो पीछे की तरफ बनेगी। और स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, आपने इस डॉटेड लाइन को कहां तक लेके जाना है, इस लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा इधर रखना है आपको, यहां पर आपको इमेज मिलने वाली है स्टूडेंट्स, ये काम आपने पहले ही कर लेना है और इसको आपने आगे बढ़ा देना है और इसमें से पास करते हुए स्टूडेंट्स यहां से इसको पास कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये रेज जो है, ये जो रेज है दो, ये खुलनी चाहिए आगे की तरफ, आगे की तरफ इनका गैप बढ़ना चाहिए तभी ये पीछे मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इसका फोकल लेंथ हमारी, अगर आपने डिस्टेंस इतना लिया है सी टू से एफ ई तक, जितना डिस्टेंस लेंगे आप सी टू से एफ ई पीछे भी इसका फोकस यहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स तो ये आपकी इमेज पीछे फॉर्म हो गई और इस इमेज को हमने नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। बड़े ध्यान से लेबलिंग करनी है आपको, ये पॉइंट बी डबल डैश है, ये पॉइंट ए डबल डैश है। तो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था आईपीस के लिए और फाइनल इमेज जो बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश वो आईपीस ने हमें बना के दी है। ये इमेज जो बनाई है ए डबल डैश बी डबल डैश ये आईपीस ने बनाई है। तो स्टूडेंट्स ये है रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो कि बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा आगे बनानी है, इसलिए आपको इन दोनों रेस को ऐसी जगह मिलाना है ताकि आपकी जो फाइनल इमेज बने ए डबल डैश बी डबल डैश वो ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा सा इधर बने। और स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर। जो आपको इमेज नजर आएगी वो आपकी आई यहां होगी तो ऑब्जर्वर को यहां इमेज नजर आएगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगी इस टाइनी ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट देखिए ए बी इतना था और फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट ए बी की बन रही है वो इतनी बड़ी बन रही है क्योंकि यहां पर हमने दो कन्वेक्स लेंस यूज किए हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस ओ आई पीस ई। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या कहकर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है रेशियो होती है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो उन एंगल्स का रेशियो होती है जो फाइनल इमेज ने बनाया है आई पर और जो ऑब्जेक्ट ने बनाया है आई पर। आई हमारी जो होगी वो आई लेंस के पास होगी और वो ये डिस्टेंस हम स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर के पास होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक हमारी आईज देख सकती हैं। अगर आप उस डिस्टेंस से आगे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, अगर आप अपनी बुक को उस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आगे रखते हैं तो आपको धुंधला दिखाई देता है, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस भी पड़ता है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है वो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। फाइनल इमेज यहां पर कितना एंगल बना रही है वो हम चेक करेंगे। फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है आई पर उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट ये होगा हमारा एंगल बीटा और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है और उस ऑब्जेक्ट को हमने इतने डिस्टेंस पर लेके आना है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहां तक प्रोड्यूस करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे C2 से, या आपने स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है तो हम बी डैश को जरा छोटा सा लिख देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देंगे बीटा से ताकि ये हमारा A1 बी डबल डैश जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो सेम है। जो ए बी था और जो ए डैश बी था वो दोनों ऑब्जेक्ट की तरह A1 बी डबल डैश को हम ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर, ये सबटेंड कर रहा है अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। बीटा वो एंगल है जो फाइनल इमेज ने आई पर सबटेंड किया है, अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट ने आई पर सबटेंड किया है जब ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दोनों डी डिस्टेंस पर थे, मींस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर थे। स्टूडेंट्स बीटा और अल्फा की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बीटा को हम लिखेंगे टेन बीटा और अल्फा को लिखेंगे टेन अल्फा, क्योंकि स्टूडेंट आप मैथ में पढ़ चुके हैं क्योंकि अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल हो तो जो अल्फा होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा टेन अल्फा के और बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा टेन बीटा के। तो ये होगी स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर वन। अब हमने क्या करना है, हमें टेन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ट्रायंगल्स को यूज करके और ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है तो आपके पास फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं टेन बीटा निकालते हैं।
तो बीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है स्टूडेंट? बीटा आ रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। टेन बीटा, टेन होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश। और बेस कौन है स्टूडेंट्स? बेस है सी टू बी डबल डैश। जितने भी डिस्टेंस हमने वो सी से लेने होते हैं, ये रूल होता है स्टूडेंट जब भी हम कन्वेक्स लेंस के साथ काम करते हैं। तो ये उसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर टू। अब हम निकालेंगे टेन अल्फा। तो स्टूडेंट जब हम निकालेंगे टेन अल्फा, टेन अल्फा, अल्फा कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? अल्फा आ रहा है ए वन बी डबल डैश सी टू ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए वन बी डबल डैश सी टू। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर स्टूडेंट ए वन बी डबल डैश अपॉन सी टू बी डबल डैश, हमारा बेस है इस ट्राइंगल का। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए वन बी डबल डैश किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। ए वन बी डबल डैश और ए बी दोनों की सेम हाइट है। तो स्टूडेंट हम ए वन बी डबल डैश को ए बी से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर हमने ए वन बी डबल डैश को ए बी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ए वन बी डबल डैश और ए बी दोनों इक्वल थे। इतना तो समझ लेंगे ना स्टूडेंट्स आप। ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू और थ्री की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं यूजिंग टू एंड थ्री इन वन। तो फर्स्ट इक्वेशन में m है लेफ्ट हैंड साइड में, tan बीटा की वैल्यू कितनी आई है? tan बीटा की वैल्यू ये आई है। tan बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट, सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट ये आई है ए बी अपॉन सी टू बी डबल डैश, ए बी अपॉन सी टू बी डबल डैश। ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे थोड़ा सा ही काम रह गया, इसको हम आगे देखते हैं कैसे इसको मॉडिफाई करके मैग्नीफाइंग पावर के फाइनल रिजल्ट की तरफ हम कैसे पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स हम m की वैल्यू यहां तक निकाल चुके हैं, इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस रिलेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे ए डैश बी डैश से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए डैश बी डैश से। तो ए डैश बी डैश हमने यहाँ नीचे लिख दिया और ऊपर लिख दिया, और जो ए बी हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था डिनोमिनेटर में उसको हमने साइड में लिख दिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, समझ आ गया स्टूडेंट आपको कैसे किया? इस रिलेशन को हमने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और जो नीचे ए बी था उसको हमने साइड में लिख दिया, वैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश है हाइट ऑफ इमेज, किसके लिए? आई पीस के लिए। तो और ए डैश बी डैश क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए, क्योंकि ए डैश बी डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और ए डबल डैश बी डबल डैश आई पीस की इमेज है जो आई पीस ने फॉर्म की है। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन होती है। मैग्नीफाइंग पावर किसकी है? ये आई पीस की है। ये है हाइट ऑफ इमेज और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए? आई पीस के लिए। तो हम इसको लिख देंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस एम ई। और ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश किसके लिए इमेज था? किसके लिए इमेज थी? ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज थी। और ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। और ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो मीन्स रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन किसकी है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि ये है हाइट ऑफ इमेज, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ए डैश बी डैश किसकी इमेज, किसके लिए इमेज थी? ऑब्जेक्टिव के लिए। और ए बी किसके लिए ऑब्जेक्ट था? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम इसको लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मीन्स जो फाइनल मैग्निफाइंग पावर आई है वो प्रोडक्ट आई है किस किसका? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मीन्स यहाँ पर मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो रही है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस मीन्स एम ई की वैल्यू कितनी होगी? एम ई की वैल्यू ये है स्टूडेंट्स हमारी आई, और क्योंकि ये जो लेंस है वो आई के पास है इसको आई पीस बोल रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस जो है वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में हम निकाल चुके हैं, और वहां पर मैग्नीफाइंग पावर आई पीस की कितनी निकाली थी आपने स्टूडेंट्स?
वो रिजल्ट आपको वहां से उठाना है। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस हमारे पास आई थी स्टूडेंट्स 1 plus d upon f e। और स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग पावर मीन्स मैग्निफिकेशन के, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक हाइट के टर्म्स में होता है, एक इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में होता है। तो एमओ को हम क्या लिख सकते हैं, एमओ को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एमओ को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस मीन्स वी जीरो। जो इमेज थी उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की वो थी ए डैश बी डैश, वो इस साइड फॉर्म हुई है क्योंकि लाइट रेज भी इस साइड जा रहे हैं, इमेज भी इस साइड फॉर्म हुई है, तो हमने वी जीरो प्लस का लेना है। और ऑब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो ए बी, वो लेंस के इस तरफ था, रेज इधर जा रही थी, डिस्टेंस हम ऐसे ले रहे हैं, तो ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस के इस तरफ है, तो ऑपोजिट साइड में जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस यू जीरो लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली निकल चुकी है, बट थोड़ी सी इस पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये सी वन बी डैश जिसको हम वी जीरो बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम वी जीरो बोल रहे हैं। और स्टूडेंट्स सी वन से लेके सी टू तक डिस्टेंस कितना है, इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम की लेंथ है वो, उसको हम ले सकते हैं सी वन से लेके सी टू तक का डिस्टेंस को एल। तो स्टूडेंट्स ये जो फाइनल इमेज बनी है वो सी टू के बहुत क्लोज बन रही है, आपको रे डायग्राम में ये लग रहा होगा कि जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने वो सी टू से दूर है, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बी डैश पॉइंट होता है वो सी टू के बिल्कुल क्लोज होता है, मींस सी वन से लेके जो बी डैश तक का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है सी वन सी टू के, मींस सी वन बी डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है सी वन सी टू के, जो कि है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको हम एल ले सकते हैं। मींस जो सी वन बी डैश है वो हमारा है वी जीरो, उसको हम वी जीरो को हम एल से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। और स्टूडेंट्स और U0 है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, C1 से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U0 है, और C1 से लेके F0 तक का डिस्टेंस है F0। ये भी स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्योंकि B पॉइंट जो है वो हम F0 के, जो ऑब्जेक्ट AB है उसको हम F0 के पास रखते हैं, फोकस के पास रखते हैं, मीन्स ये जो डिस्टेंस है C1B और C1F0 मीन्स U0 और F0 डिस्टेंस जो होंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमने फोकस के बिल्कुल पास रखा हुआ है, तो B पॉइंट जो है वो F0 के बिल्कुल पास है, तो हम जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का U0 ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान सकते हैं। मींस हम लिख सकते हैं C1B जो कि डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम V0 को रिप्लेस कर दें L से और U0 को रिप्लेस कर दें F0 से तो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आने वाली है स्टूडेंट्स 1 plus d upon f e इज मल्टीप्लाई V0 को हम रिप्लेस कर रहे हैं L से और U0 को हम रिप्लेस कर रहे हैं F0 से, माइनस F0 लगा रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर, आपको एग्जाम में यहां तक करके आना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 के 5 मार्क्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।